सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। सो मैं इसको नीचे करता हूँ, और आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि सेट क्या होता है। जिस तरह हमने लिस्ट के बारे में जाना और डिक्शनरी के बारे में जाना, इसी तरह सेट भी एक कोई तोप होती है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं वो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ, सेट इज इक्वल टू सेट, जो कि सेट एवरीथिंग विल बी सेट, ओके। एंड मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करता हूँ, टाइप प्रिंट करता हूँ इसकी, मैं एस की, एंड उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो ये मुझे अभी असली बात है, यानी कि श्योर बात है, सेट ही श्योर करेगा, क्योंकि हमने सेट ही बनाया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके साथ थोड़ा बहुत खेलेंगे जैसे हमने सबके साथ खेला है। सो अब हम यहाँ पे करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। तो एस अंडर स्कोर फ्रॉम अंडर स्कोर लिस्ट इक्वल टू हम लिख देंगे एस, और इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, मीन्स के सेट आई थिंक, और इसके अंदर हम वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में डालेंगे। नोट दिस 1,2,3, एंड अब देखते हैं ये क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा, मुझे क्या पता क्या करेगा, देखेंगे तो पता लगेगा क्या करेगा। जिस तरह मैं आपको हर बार बताता हूँ कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। ओके, सो इसने हमें प्रिंट कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये एक सेट है, ये एक सेट है। लेकिन आप कहोगे, यार भाई आपने तो कहा था यहाँ पे डिक्शनरी होती है कर्ली ब्रैकेट्स में, ये तो डिक्शनरी नहीं है, ये तो सेट है। आप खुद ही कह रहे थे कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाते डिक्शनरी को जानकर। लेकिन आप ये भी देखो कि यहाँ पे किसी भी वैल्यू के आगे इसने कॉलन लगा के कोई दूसरी वैल्यू नहीं लिखी, कोमा लगाया हुआ, ये एक सेट बन गया। अगर आप इस तरह, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करूँ, एंड इसको भी कमेंट आउट करूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ एस इज इक्वल टू ही लिख देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल टू। यार वेरिएबल्स के नाम भी ना बहुत मुश्किल से याद में आते हैं कि क्या रखें क्या रखें। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते 1,2,3। अब मैंने डिक्शनरी वाला जो ब्रैकेट्स होता है उसको यहाँ पे यूज़ किया, बट यहाँ पे आप देखें, मैंने इसके अंदर कोई भी कॉलम वगैरह लगाया नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ क्यू टाइप, इसकी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि वाकई में भाई ये सेट है, मेरे पे यकीन नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट देख लेते हैं कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे सेट शो करा रहा है, मीन्स कि ये जो चीज़ है ये सेट है। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एंड इसको भी कर देता हूँ, इसका यूज़ तो कोई नहीं है। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एस अंडरस्कोर फॉर्म करते हैं। सो इसने हमें वही एज इट इज कर दिया शो। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे कुछ फंक्शंस आपको इस तरह बताता हूँ सेट के बारे में, अगर आपने पढ़ा ही होगा। सेट के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जिस तरह हम, अगर आपने मैथ करने का पढ़ा, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, इस तरह चीज़ें करना। बट सेट मुझे हैकिंग में कभी टूल्स बनाते हुए कभी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा, बट ये यूजफुल भला क्यों है। अब आप लोग, कई लोग ये भी सोच रहे हो कि यार यहाँ पे अगर लिस्ट ही देनी तो लिस्ट ही यूज़ कर लो, सेट क्यों यूज़ कर रहे हो, मैं बताता हूँ क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगता है सेट फ्रॉम लिस्ट डॉट एड, इससे हम उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे वन वैल्यू पहले से, ये रही वन वैल्यू पहले से है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ वन, और इसे मैं सेव करूं, और मैं इसे रन करूं, अगर तो यहाँ पे देखे, इसने हमें सिर्फ एक ही वन शो करा है। एक वन शो क्यों करा है यार, हमने इसके अंदर एक वन ऐड किया है, तो ये शो एक वन ही क्यों करा रहा है। सेट और लिस्ट में यही फर्क है कि जो सेट होता है वो यूनिक वैल्यूज लेता है, और जो लिस्ट होता है वो यूनिक वैल्यूज नहीं भी लेता। मैंने आपको पहले दिखाया होगा, वहां पे मैंने डबल वैल्यूज लिख के आपको दिखाया था। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7, तो ये इसको सही से बीच में ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 आ गया। सो इसी वजह से सेट बनाया गया था, सेट जो चीज़ है इसी वजह से बनाई गई थी। और उसके अलावा भी सेट के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे अगर मैं इस तरह करता हूँ तो आप, आपको पता लग जाएगा क्लियर, डिफरेंस, और इस तरह काफ़ी सारे फंक्शन, आप इंटरसेक्शन, यूनियन भी होगा यहाँ पे, आई थिंक ये जगह यूनियन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर और चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे 6,8 कोमा लगा देता हूँ, 6,8
एंड 9 ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर, जिस तरह अगर आपने मैथ में कभी पढ़ा हो तो यहाँ पे S2 लिख देता हूँ मैं। सो अब अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ एंड नीचे आके यहाँ पे प्रिंट करूँ मैं S2 को, एंड अगर अब हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें उनका यूनियन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें उसका यूनियन मिला है, उसको बीच में ऐड कर दिया है उसने। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, सो इंटरसेक्शन भी लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। वेट अ मिनट, तो जिस तरह हमने इसके अंदर इसका यूनियन लिया है, हम इसका इसका इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। सो S2 डॉट इंटरसेक्शन लिखेंगे तो आ जाएगा भाई इंटरसेक्शन। और हम यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं इंटरसेक्शन के लिए, जिस तरह 1,2,3, एंड इसको हम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, S3 कर देते हैं। सो अब क्या होगा, अब ये यूनियन लेने के बाद जो ये वैल्यूज आई हैं, इसको इंटरसेक्शन ऑपरेशन यानी कि इंटरसेक्शन जो होता है मेथड, वो अप्लाई करेगा इस पे। और हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 3, एंड लेट्स रन इट अगेन, एंड एज यू कैन सी इट्स वर्किंग। अब ये इसने इंटरसेक्शन कर दिया, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे दी थी इसने इंटरसेक्शन करके, वही वैल्यूज हमें यानी कि बीच में जो कॉमन है वही शो करवाई है। इंटरसेक्शन के बारे में आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। उसके अलावा भी काफ़ी फंक्शंस इसके अंदर हैं, मैं तो यही कहूँगा आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि आप गूगल करें और जो साइट आपको मिलती है वहाँ पे जाएं, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे इज डिस जॉइंट इज सबसेट इस तरह सब कुछ, इज रिमूव यूनियन अपडेट एंड आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप खुद एक्सप्लोर करें, खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, मैं जो सिखाऊंगा बस वही सीख लिए यही काफ़ी नहीं है, खुद एक्सप्लोर करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इससे आपको सर्चिंग का थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि चीज़ों को प्रोग्रामिंग में किस तरह सर्च करते हैं। सो ये वीडियो बहुत शॉर्ट थी, सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।